हेलो दोस्तों, नमस्कार। अशोक किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं सरसों का साग। तो हमने 1 किलो सरसों का साग लिया है, जिसके हमने अच्छी तरीके से साफ कर लिया है। जो खराब पत्ती थे वो निकाल दिया है और जड़ को निकाल दिया है, और सही पत्ती हमने रखा है और पीले पत्ते जो थे सब निकाल दिए अच्छी तरीके से। तो हमने दो तीन पानी अच्छी तरीके से इसको धो लिया है। तो दोस्तों आओ शुरू करते हैं। तो इसे पहले हम काट लेते हैं बारीक, इस तरीके से बराबर करके इसे काट लेंगे हम। तो पतला काटेंगे तो गलने में आसान रहेगा। इस तरीके से आप काट लीजिएगा। तो सभी सरसों के साग हम अच्छी तरीके से इस तरीके से बारीक बिल्कुल काट लेंगे आराम से। तो दोस्तों हमारी वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर देखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमने गैस को जला दिया है और कुकर को हमने रख दिया है, और साग कुकर के अंदर हम डाल लेंगे उबलने के लिए। साग जब थोड़ा और गल जाएगा तो बाकी और साग हम इसमें डाल देंगे कुकर में। तो दोस्तों 6 से 7 सीटी हमने लगा दिया है साग में, और गैस को हम कर दे रहे हैं बंद। अब एक बार साग को हम देख लेते हैं। तो साग हमारा गल चुका है अच्छी तरीके से, ये देखिए। अब इसको हम नीचे उतार के इसको अच्छी तरीके से घोंट लेंगे। तो दोस्तों आधा चम्मच हम नमक डालेंगे और चने का बेसन हम डाल रहे हैं इसमें, अच्छी तरीके से मिला लेंगे। आप गेहूं का आटा भी डाल सकते हो और मक्के का भी आटा डाल सकते हो, लेकिन मैं चने का बेसन डाल रहा हूँ। तो इसे अच्छी तरीके से हम मिला लेंगे, बिल्कुल घोंट लेंगे साग में। तरीके से बिल्कुल मिल जाए, उसके बाद ही तड़का लगाएंगे हम। इसको घोंट के बिल्कुल बारीक कर लेंगे साग को अच्छी तरीके से। तो दोस्तों हमने इसे अच्छी तरीके से साग को मथ लिया है, ये देखिए बिल्कुल मिल गया है, अच्छी तरीके से पतला हो गया है। और अब चल रहे हैं इसका छौंका लगाएंगे। तो दोस्तों हमने गैस को जला दिया, कढ़ाई रख दिया है, सरसों को साग को तड़का लगाने के लिए। तो उसमें हम देसी घी डालेंगे। घी हमारा अच्छी तरीके से गर्म हो जाएगा, जीरा डालेंगे बारीक कटा हुआ, मिर्चा हम डाल रहे हैं हरा मिर्चा, और साथ में साबुत हम डाल रहे हैं लाल मिर्चा, और बारीक कटा हुआ प्याज हम डालेंगे। प्याज को अच्छी तरीके से भून लेंगे, हल्का भूरा हो जाए। अब इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट जो हमने पीस के रखा हुआ है। आधा चम्मच नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, पहले भी हमने साग में डाल रखा है नमक। ढक देंगे थोड़ी देर के लिए कि टमाटर हमारा अच्छी तरीके से गल जाए। तो टमाटर हमारा गल चुका है, अब इसमें डालेंगे हम आधा चम्मच
धनिया पाउडर और आधा चम्मच हल्दी पाउडर और लाल मिर्च थोड़ा सा डालेंगे हम। मसाले को अच्छी तरीके से भून लेंगे, बिल्कुल पक जाना चाहिए मसाला। मसाला हमारा अच्छी तरीके से भुन गया है और इसमें हम साग डाल देंगे। सभी साग इसमें डालेंगे जितना हमने उबाल रखा है। इसे अच्छी तरीके से हम मिला देंगे। और 5 मिनट इसे ढक के हम धीमी आंच पे पका लेंगे। तो दोस्तों साग हमारा बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल खाने के लिए बेहतरीन बन चुका है ये। अब इसको गैस को हम बंद कर दे रहे हैं और एक बर्तन में निकाल लेते हैं। सरसों का साग बहुत ही टेस्टी होता है खाने में। ऐसे देखिए इस तरीके से बनाइए। तो दोस्तों हमारा सरसों का साग बिल्कुल तैयार है। इसमें 1 चम्मच हम घी डाल देते हैं और ये देखिए तो हमारा सरसों का साग बिल्कुल तैयार है। दोस्तों इस तरीके से बनाइए और परिवार के साथ मज़े से खाइए। सरसों का साग बहुत टेस्टी होता है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है, तो ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए आप। धन्यवाद दोस्तों।